काके मुझे किस कर। फिर पापा ने किस किया? हाँ। तो पापा ने बोला कि आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं वो? हाँ। क्या लेके आ रहे? कार। आ जाएं वो सेफली आ जाएं, बस थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत डर लगता है। बस आ जाएं, कोई उन्हें रोके ना रास्ते में, कुछ हो ना, बस सेफली पहुंच जाएं घर पर। वो तो कहते हैं कोई टेंशन नहीं ले, बहुत टेंशन। वो बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं ठीक आ जाऊंगा घर पर। बहुत टेंशन, पूरी रात में सोते रहते हैं टेंशन में। वो बहुत स्ट्रांग है पर मैं इतनी नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। बस ठीक आ जाए, वहाँ के किसी को भी कुछ ना हो, कुछ भी ना हो किसी को भी, किसी बच्चे को, किसी को कुछ ना हो, सब ठीक रहे। गुरप्रीत कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? सब ठीक है? जो भारत सरकार ने फ्लाइट्स जो है वो चलाई हैं हंगरी के लिए, उससे खुश हैं आप? अब रशिया यूक्रेन के बीच में जंग हो रही है और उस जंग के चलते जो है लगभग 20,000 भारतीय नागरिक जो हैं वो रशिया में फंसे हुए हैं। मैं इस समय चट्ठा की पंचायत में हूँ और ये जो घर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ का भी एक शख्स जो है वो यूक्रेन में फंसा हुआ है। नाम है गुरप्रीत सिंह। अंदर चलता हूँ और अंदर चलते हैं और परिवार से बात करते हैं कि गुरप्रीत से बात हुई, क्या बात हुई है। और आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व MLC विक्रम रंधावा भी यहाँ पर है। तो चलिए अंदर चलते हैं और क्या बातचीत हो रही है वो आप बता दें। गुरप्रीत की वाइफ और उनका बच्चा इस समय मेरे साथ है। कब गए थे गुरप्रीत यूक्रेन? उनको हो गए 5 months हो गए। तो आखिरी बार कभी बात हुई उनसे, क्या कह रहे थे? वो तो कहते हैं कोई टेंशन नहीं ले, बहुत टेंशन। वो बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं ठीक आ जाऊंगा घर पर। बहुत टेंशन, पूरी रात में सोते नहीं हैं टेंशन के लिए। वो बहुत स्ट्रांग है पर मैं इतनी नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। बस ठीक आ जाए, वहाँ के किसी को भी कुछ ना हो, कुछ भी ना हो किसी को भी, किसी बच्चे को, किसी को कुछ ना हो, बस सब ठीक रहे। कहा कि वो बहुत स्ट्रांग है लेकिन आप उतनी स्ट्रांग नहीं है, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बच्चा साथ में है और परिवार, क्योंकि अगर आप भी स्ट्रांग रहेंगी तो पूरा परिवार स्ट्रांग रहेगा। और वो वहाँ पर इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर जो है वो आपके लिए वापस आ रहे हैं, आपके अपने परिवार के लिए, तो आपको भी तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो है बट बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है मेरे को। बस आ जाएं वो सेफली आ जाएं, बस थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत डर लगता है। बस आ जाएं, कोई उन्हें रोके ना रास्ते में, कुछ हो ना, बस सेफली पहुंच जाएं घर वो। क्या नाम है आपका? अंगद। पापा से बात हुई थी? हाँ। कब हुई थी? कल। मैं कहा कि मुझे किस कर। फिर पापा ने किस किया? हाँ। अच्छा, तो पापा ने बोला कि आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं वो? हाँ। क्या लेके आ रहे हैं? कार। कार। कार लेके आ रहे हैं। फिर आप उस कार को चलाओगे? हाँ। मम्मी डांटती तो नहीं? नहीं। बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन देखिए आपको तो थोड़ा हौसला बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादा बच्चा तो आप ही के साथ रहता है, तो आपको ही जो है वो उसको सहारा देना है। और पापा तो आ ही रहे। हाँ वो तो है, बस सेफली पहुँच जाएं तो फिर हम खुश रहेंगे। बस वो आ जाएं, बस सब लोग वहाँ ठीक रहेंगे। जो वीडियोस देख रहे हैं हम, बहुत डर लग रहा है। जो डेली जो देख रहे हैं हम, कुछ कुछ हो रहा है, पर सब ठीक रहे हैं वहाँ। किसी यूक्रेन के जो पब्लिक है उनको भी कुछ ना हो, सब ठीक रहे हैं। बस किसी को भी कोई नुकसान ना हो।
भारत सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, जो हमारे वहाँ पे जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं सबको इवेल्युएट करें, सब आ जाएं अपने घर पे, जो इनके पेरेंट्स इतने यहाँ परेशान हैं, कुछ ना कुछ तो करें उनके लिए, कुछ भेजें कुछ, या वो किसी भी बॉर्डर पे पहुँच जाएं, बच्चों के लिए कुछ करें, वो आ जाएं बस घर, बहुत बच्चे परेशान हैं वहाँ पे, बस आ जाएं सब घर। मैंने वीडियो कॉल पर गुरप्रीत से बात की, वो तो गाड़ी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो खुश हैं। अभी आपके ससुर जी भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी बात की है। वो बहुत स्ट्रांग है, हम नहीं हैं इतने स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग है, उनको डर नहीं लगता, हम बहुत डर रहे हैं। तो ये गुरप्रीत की धर्मपत्नी और उनके सुपुत्र यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरप्रीत बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं। लेकिन मैं इसके विपरीत कहूँगा, गुरप्रीत तो स्ट्रांग है ही हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी और उनका बच्चा जो है वो भी स्ट्रांग है, इनके माता पिता स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए, वॉर जोन में किसी का अगर बच्चा हो और हिम्मत देकर, भले ही एक दूसरे को दिलासा देने के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, ये सबसे बड़ा काम होता है जो गुरप्रीत भी कर रहे हैं और उनका परिवार यहाँ पर घर बैठे कर रहा है। देखिए इस समय विक्रम रंधावा जो अच्छा गड्डी गैस ऊपर है, उस शख्स से जो यूक्रेन में फंसा हुआ है गुरप्रीत सिंह, उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, हम भी करेंगे, थोड़ा करीब आइए। सारा जम्मू का मीडिया भी तो देख रहा है, सारा दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर गुरप्रीत, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? सब ठीक है? अच्छा, 1000 किलोमीटर ड्राइव हो गया है, कितना ही है? अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी जो भारत सरकार ने फ्लाइट्स जो है वो चलाई हैं हंगरी के लिए, उससे खुश हैं आप? अब मतलब जेडी भारत सरकार कर रही है, तुसी उदे कोलो खुश हो? बिल्कुल सर, खुश हां। जे लेके जा रहे हैं, मैं आपके साथ लेके जा रहे हैं, जेरे पीछे रह रहे नहीं, बिल्कुल। देखो, देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुस्तान का एक भी नागरिक जेड़ा असी इन हालातों में उत्थे नहीं रहन देंगे, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाएंगे। देखो, सिंगा दा काम हुंदा है इम्तिहान दा मुकाबला करना, ठीक है ना? असीं सिंग इज किंग एवें नहीं कहंदे ना लेकिन तुसीं झंडा उत्थे गाड़िया ना सिंगी दा, ते बिल्कुल कायम रहना है ना, हालात ठीक होने ना, उहदे बाद आपां वापस भी जाना उत्थे। दिल बड़ा करके आना, सानू बड़ा फकर है तुहाडे ते जम्मू नू, देश नू, ठीक है? क्या बात है, बाकी ना भी चेहरे दिखाओ, ये नाम दिखा दिए यहाँ पर जो है। सत श्री अकाल गुरबीर जी, बाकी ने भी चेहरे दिखाए जेडे नाल ने तुहाडे, सारे साडे जत्थे दे भी ब्रदर मेरा। क्या बात, ये केड़े ने? एक शानू 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 होरी शानू बिट्टू वीर जी दे बेटे। हां जी, क्या हाल है, ठीक हो शानू जी? चलो बिल्कुल, एका बना के रखना और इकट्ठे चलना पूरे, ठीक है ना? बिट्टू वीर जी दे बेटे किथे ने? तुहाडा जम्मू च बेसब्री नाल इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, भारत की धरती ते जम्मू की धरती ते तुहाडा बेसब्री नाल इंतजार हो रहा है। और देखिए यहाँ पर परिवार थोड़ा सा तो दुखी है, लेकिन रंधावा साहब से बात करेंगे। रंधावा साहब, क्या कहा हमने तो सुना, लेकिन आपके साथ आप अंदर थे, आपसे बात हुई, क्या बात हुई? देखिए, जिस तरीके के हालात बन चुके हैं, एक
हम समझ सकते हैं कि पेरेंट्स पे या परिवार पे क्या बीत रही होती है जब तक बच्चा या परिवार का सदस्य वापस आके पूरी तरह से उनके साथ जुड़ ना जाए। हालांकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम शुक्रगुजार हैं कि आज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना माध्यम जुड़ चुका है। आपने देखा वीडियो कॉल पे लगातार बात हो रही है और अभी आपसे भी वो रूबरू हुए हैं। 1000 किलोमीटर हमारे नौजवानों ने ड्राइव कर लिया और इतना ही इनको और करना है, उसके बाद ये फ्लाई करने की स्टेशन में रह जाएंगे। लेकिन जोश पूरा बरकरार है, ये फख्र है हमें इन बच्चों पे, नौजवानों पे, जम्मू के हमारे, कि इनका जो जोश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार पे जो इनका विश्वास है वो और भी मजबूत हुआ है कि प्रधानमंत्री जी हमारी चिंता कर रहे हैं। हमें इस बात का बड़ा फख्र है, सरकारें पहले भी आती रही हैं जाती रही हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री के नाते, जो एक प्रधान सेवक के नाते उनका फर्ज है, उसका वो निभा कर रहे हैं। पुरुषोत्तम सिंह जी हमारे पंच भी हैं और हमारे सरपंच भी बलविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, हमारे नैब सरपंच अवतार सिंह जी, हमारे पंच आशु जी, सुनील जी, ये पूरी टीम, ये हमारे चट्टा पंचायत के तो 4 बच्चे हैं वहां पर। मुझे लगता है कि चट्टा पंचायत का भी झंडा वहां पे जो ग्रेन में उन्होंने काट दिया होगा, सारे इकट्ठे हैं, बिल्कुल सारे इकट्ठे ही हैं। आपने देखा एक गाड़ी में ट्रेवल भी कर रहे हैं, तो हम वाहेगुरु से अरदास करते हैं कि ये सुकुशल अपने परिवारों के बीच में आ जाए और हालात भी जल्दी से जल्दी, और लग भी रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया है, ये पूरी दुनिया ने अब मान लिया कि नरेंद्र मोदी में वो ताकत है कि वो किसी भी देश की किसी भी परिस्थितियों में हस्तक्षेप करके वहां के हालात को ठीक कर सकता है। पुतिन ने भी कल प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आग्रह को माना है कि ठीक है हम बात करने को तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहले कह दिया कि जो नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए कमिट करेंगे, जो बात करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। दो पड़ोसी दोस्त हैं, पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। अब कोई मतभेद बन गया है तो उसको जल्दी से जल्दी दूर होगा। और बड़ी अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया को भी दिया है, एक भाईचारे का, दोस्ती का, कि आपसी तालुकात अच्छे रहने चाहिए। और खास करके हमारे जो हिंदुस्तानी 20-21 हजार वहां पे स्ट्रक है, कोई कारोबार करने गया है, अधिकतम बच्चे पढ़ने गए हैं, ट्रेनिंग लेने गए, जैसे हमारा गुरप्रीत है ये ट्रेनिंग लेने गया है। और यकीनन रोजी रोटी के लिए ही हम घर बार छोड़ते हैं और जहाँ का साधन लिखा होता है वहां जाना पड़ता है। और नौजवान जो शीला है, पढ़ा लिखा है, यहाँ से अच्छी एजुकेशन हासिल करके वहां गया है, पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, छोटा उसका बच्चा भी है, चिंता तो होती है, मैं खुद महसूस कर सकता हूँ, चेहरे पे मुस्कुराहट है लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तो पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी, चेहरे पर तो मुस्कुराहट है लेकिन जब अपना बच्चा हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर हो, कैसा लगता है? आप रो रहे हैं, इसका मतलब जो है अगर उसको उस तक ये बात पता चल गई तो उसका कितना मनोबल टूटेगा। कल से उन्होंने कुछ खाया नहीं, हो जाता जी, यहाँ बच्चा एक दिन घर में भूखा रहे तब मुश्किल हो जाता था, इतनी दूर बैठ के बेचारा कुछ खाया नहीं है तो आ जाएंगे। लेकिन देखिए ना, आपके बेटे ने इतना हौसला रखा, थोड़ा सा हौसला आप और रखिए, जहाँ 1000 किलोमीटर आ गए हैं, 1000 और उसके बाद सीधा अपने घर यहाँ पर आपके पास में। सही बात है, वो आपकी इतनी दूर आ चुके हैं, चलो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े देशों की बात ठुकराई, देशों की बात नहीं ठुकराई कि हम बात करेंगे बैठ के, जैसे अहमदाबाद साहब ने भी कहा तो उन्होंने आज फ्लाइटें भी भेजी हैं शायद जी बिल्कुल लाने के लिए, तो पूरी हर लाने के लिए बच्चों को सेफ लाएंगे, उन्होंने पूरा भरोसा है। आप यहाँ पर दुखी लग रहे हैं लेकिन देखिए वो गाड़ी में, जब मैंने वो वीडियो कॉल की बात की उनसे, कुछ कितने नौजवान अंदर बैठे हैं गाड़ी में, वो खुश हैं, उनको बच्चों पर पूरा भरोसा है, तो आपको भी होना चाहिए और खासकर अपने बच्चों पर भी भरोसा होना चाहिए। गुरु महाराज पे पूरा भरोसा है जी। लेकिन वैसे कल सुबह से बिल्कुल ये होता है। और रंधावा साहब, जाते जाते मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा, बलविंदर जी आपने भी वीडियो कॉल पे बात करी, हम सब ने बात करी, कि जज्बा, ये जो जज्बा, खासकर मैं कहूँगा कि ये भारतीयों में ये तो पैदाइशी होता है, और जिस प्रकार से इन बच्चों में जोश है, यही मानिए जो 20 हजार वहाँ पर बाकी बच्चे हैं, जब इसको देखेंगे तो उनमें जोश होगा। दलेरी बच्चों में, हमने तो अभी मेरे पंच
साहिबान है, इनका बेटा है तो मेरा भी बेटा है वो। तो मुझे भी दुख होता है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, यंग यूथ हैं, अभी अभी मैरिज की है, कुछ अनमेरिड भी हैं, तो रोना तो आता ही है। हम पेरेंट्स हैं, तो मुझे उनको देख के, अपने पंच को देख के मुझे भी रोना आ गया कि चार बच्चे एक ही गाड़ी में आ रहे हैं, ऊपर बमबारी हो रही है। तो बच्चों के लिए मैं सलूट करता हूँ अपने बच्चों को कि आपकी पेशेंस मैंने देखी है बच्चों, हम आपके साथ हैं, हमारे मोदी जी आपके साथ हैं और हम बहुत दलेर हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई डर रहे, लेकिन हमें बच्चों की सलूट करते हैं, उन बच्चों को। इतनी मुश्किल में भी उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि देखो पापा, हम 2000 किलोमीटर गाड़ी चला के आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 2000 किलोमीटर आप इंडिया में नहीं कभी बच्चों ने गाड़ी चलाई होगी, लेकिन इतनी दुख की घड़ी में हमारा सरकार हमारे घर है, सरकार हमारे घर घर में आके हमें पूछ रही है। तो मैं आभारी हूँ सरकार का, मोदी जी का, कि आप घर घर में आके, हमारे पंचायत में आके, रंधावा जी ने आके जो हमें जो पेशेंस दिया कि आप घबराइए मत, हम सरकार की तरफ से आपके घर में आए, जितना भी सुविधा होगी बच्चों को, पोलैंड में हो, साथ में नेबरिंग जितनी भी कंट्री है वहाँ पहुँचने वाले हैं, मुझे लगता है कि सुबह तक बच्चे नेक्स्ट कंट्री में पहुँच जाएंगे। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, इन बच्चों की जो मूवी देखें, बच्चों में कितना उत्साह है, बच्चों में कितना दम है, तो ऐसे ही सभी बच्चों ने करना है कि अपने बलबूते पे डरना नहीं है। इन बच्चों की तरह जैसे इन बच्चों ने गाड़ी लेके ये आए हैं, आप भी ऐसे करिए, डरिए मत, हिंदुस्तान की सरकार आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। रंधावा साहब, सही मायने में सरकार के नुमाइंदे का यही काम होता है। आम जनता इसीलिए चुनती है कि जब वो मुसीबत में हो वो पीछे ना हटे, और आज आप यहाँ पर है, इसका मतलब आपका प्यार है लोगों के साथ, और जिस जैसे ये बात कर रहे हैं ये लोग भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। जी, मेरी ये तो कर्म भूमि है, मेरा इलाका है, इन लोगों का मेरा जीने मरने का रिश्ता है, हर सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये मेरी दुख की घड़ी होती है, ये लोग मेरे साथ दीवार की तरह खड़े होते हैं, मेरे घर में सुख की बात होती है ये लोग होते हैं, मैं इनके साथ होता हूँ। तो मुझे तो आज जब सुबह पता लगा तो मेरे से रहा ही नहीं गया उस वक्त। मेरे कुछ एक लोगों ने कहा कि आपकी वहाँ कोई कार्यक्रम है, वहाँ जाना है, मैंने कहा मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, मुझे पहले पुरुषोत्तम जी के जाना है, सरपंच साहब बेचारे उतारू थे, इन्होंने तो पूरी सूची तैयार कर ली कि और भी हम देखेंगे, इनकी पंचायत के चार बच्चे हैं, लेकिन यकीनन जो हमारे बच्चे वहाँ पर हैं, जैसा मुझे वीडियो कॉल से बच्चे का उत्साह देख के लगा ना, तो आज यकीन हो गया कि आज गुरु गोविंद सिंह जी का बच्चा कभी भी ना पीठ लगने देता है ना लगवाने देता है, और आज आपने विश्वास देखा बच्चे के अंदर कितना टूटता। हम अपने जहाँ पर जब हालात खराब हो जाते हैं, आपने कोरोना में भी देखा था कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे कि बाहर पता नहीं पुलिस क्या कहेगी या साथियां करेगी, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी दूर, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर वहां ड्राइव करके सड़क पे चल रहे हैं, यहाँ आर्मी हर पॉकेट पे जाके उनको रोक रही है, फिस्किंग कर रही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, और यहाँ तक अभी हमारे पंच साहब ने बताया कि 24 घंटे से उन्होंने खाया भी कुछ नहीं है, लेकिन हिम्मत की मैं दाद दूंगा, गुरप्रीत और उसकी टीम की हिम्मत की दाद दूंगा कि उनका जो मोरल है अभी 1000 किलोमीटर और उन्होंने सफर करना है, तो भगवान वाहेगुरु करे कि शीघ्र से शीघ्र वो पहले इन परिस्थितियों से निकल के घर आ जाए। अलबत्ता हम लोगों ने बच्चे वापस भी जाएंगे, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई भी पूरी करेंगे, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ट्रेनिंग करें, और जिनका रोजी रोटी का साधन वहाँ बनता है, क्योंकि यूक्रेन एक अच्छा राष्ट्र है, ऐसी बात नहीं है, अब हालात ऐसे बन गए वहाँ पर, पड़ोसियों में आपस में बिगड़ गई किसी बात को लेकर, तो उसकी वजह से बिल्कुल उसको आइसोलेट ही कर दे ऐसा नहीं है। और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के पीठ पे हाथ रखा है, और आज उनका सुबह बयान भी आया है कि नरेंद्र मोदी जी पे मुझे यकीन है कि वो जिस तरीके से उनकी बात सब मानते हैं, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी उनकी बात मानेंगे, और जो उन्होंने जाति हमसे करनी शुरू की है वो उस पर ब्रेक लगाएंगे। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों के अंदर ये डेडलॉक खत्म हो जाएगा, पर उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारा हर भारतीय नागरिक, विशेष करके मुझे अब इसे स्वार्थ कहिए या क्या कहिए, कि अपने जम्मू के, हमारे विधानसभा क्षेत्र चट्ठा के, या बाकी क्षेत्रों के जितने भी बच्चे अपने घरों में पहुंच जाए, ताकि पेरेंट्स के साथ एक बार मुलाकात हो जाए, और उसके बाद जब हालात ठीक हो तो वापस चले जाए। अलबत्ता देखते हैं आने वाले दिनों में क्या घटनाक्रम पड़ता है। बिल्कुल, देखिए हम भी यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से जल्द जो है जितने भी भारतीय नागरिक वहां पर है, और मैंने खुद गुरप्रीत से बात की है, और यकीन मानिए कि जंग के मैदान में चेहरे पर मुस्कुराहट लाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, और इन बच्चों के दिल में और चेहरे पर देखिए इतनी मुस्कुराहट थी, हम समझ सकते हैं कि वो मुस्कुराहट इसलिए भी थी कि ताकि उनका परिवार जो यहाँ पर उनको देख रहा था उनको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना हो। लेकिन सैल्यूट है इन बच्चों को जिन्होंने इस जंग के माहौल में भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट जो है वो बरकरार रखी है, और
उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो भारत सरकार इन बच्चों को अपने परिवारों के पास पहुंचाए। हम लोग एक रियली पोस्ट कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर।